Hello everyone, welcome to class number 57 of the chapter Programming Using C++. So, आज के class का हमारा discussion का topic है private member functions. So, ये private member functions क्या है? Private member functions को हम कैसे एक particular C++ program में access कर सकते हैं? उसके बारे में आज के class में हम discuss करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं discussion. So, पहले हम जानते हैं कि private member function हम किस तरह के member functions को बोलते हैं. So, member function क्या है? एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर अगर हम कोई भी फंक्शंस को डिक्लेयर करता है या फिर डिफाइन करते हैं तो उस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं मेंबर फंक्शन और मेथड. तो प्राइवेट मेंबर फंक्शन हम किस तरह के मेंबर फंक्शंस को बोलते हैं? ए फंक्शंस डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास प्राइवेट सेक्शन इज नोन एज प्राइवेट मेंबर फंक्शन. एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर प्राइवेट सेक्शन में अगर हम कोई मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो उस तरह के मेंबर फंक्शन को हम बोलेंगे प्राइवेट मेंबर फंक्शन. ओके, तो एक क्लास में अगर कोई फंक्शन को हमने एज ए प्राइवेट मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया है या फिर डिफाइन किया है तो उस पर्टिकुलर मेंबर फंक्शन को हम डायरेक्टली हमारे मेन फंक्शन के अंदर से उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते. तो उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? उसको सिर्फ वही सेम क्लास के बाकी कोई अदर पब्लिक मेंबर फंक्शन के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, उस प्राइवेट मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं. ओके, तो एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो इजीली समझ पाएंगे. तो एग्जांपल के थ्रू पहले देखते हैं कि प्राइवेट मेंबर फंक्शन क्या है, कहां पे हमने यहां पे प्राइवेट मेंबर फंक्शन को यूज किया है. ओके, तो जैसे कि मैंने यहां पे C++ प्रोग्राम को शुरू किया है हैस इंक्लूड प्री प्रोसेसर से बाय लिंकिंग द आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल इनटू द प्रोग्राम. देन मैंने यहां पे क्लास को शुरू किया, क्लास का नेम मैंने यहां पे लिया है एग्जांपल. ओके, तो क्लास को ओपन करने के बाद क्लास के अंदर मैंने यहां पे यूज किया है प्राइवेट कीवर्ड. तो ये प्राइवेट कीवर्ड यूज करके अगर उसके अंदर मैं कुछ भी डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन डिक्लेयर या फिर डिफाइन करता हूं तो उसको हम बोलेंगे कि दिस इज द प्राइवेट डाटा मेंबर और प्राइवेट मेंबर फंक्शन. और अगर पब्लिक कीवर्ड यूज करके उसके अंदर कुछ डिफाइन या फिर डिक्लेयर करते हैं उसको हम बोलेंगे पब्लिक मेंबर फंक्शन और पब्लिक डाटा मेंबर. ओके, तो यहां पे प्राइवेट कीवर्ड यूज करके उसके अंदर मैंने जो फंक्शन को मेंबर फंक्शन को डिफाइन किया है उस मेंबर फंक्शन को हम बोलेंगे प्राइवेट मेंबर फंक्शन. यहां पे पब्लिक कीवर्ड के अंदर मैंने जो फंक्शन को डिफाइन किया है उस फंक्शन को हम बोलेंगे पब्लिक मेंबर फंक्शन. इतना कांसेप्ट क्लियर है कि प्राइवेट मेंबर फंक्शन एंड पब्लिक मेंबर फंक्शन क्या है? एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर प्राइवेट सेक्शन के अंदर अगर हम कोई फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं या फिर डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर फंक्शन. पब्लिक सेक्शन के अंदर अगर कोई फंक्शन को हम डिक्लेयर या फिर डिफाइन अगर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक मेंबर फंक्शन. सो एक पर्टिकुलर क्लास में अगर हम कोई मेंबर फंक्शन को एज ए प्राइवेट मेंबर फंक्शन डिक्लेयर या फिर डिफाइन करते हैं तो उस पर्टिकुलर मेंबर फंक्शन को हम पर्टिकुलर मेन क्लास से फिर मेन फंक्शन से उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कोई भी प्राइवेट मेंबर फंक्शन को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते या फिर प्राइवेट डाटा मेंबर को भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. तो अगर एक पर्टिकुलर क्लास में जो भी प्राइवेट डाटा मेंबर्स या फिर प्राइवेट मेंबर फंक्शन है उनको अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं? उसी पर्टिकुलर क्लास के कोई भी पब्लिक मेंबर फंक्शन के थ्रू. ओके, अदरवाइज और कोई ऑप्शन है ही नहीं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो भी प्राइवेट डाटा मेंबर्स एंड प्राइवेट मेंबर फंक्शंस हैं उनको हम एक्सेस कर सके. ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे प्राइवेट डाटा मेंबर क्या लिया है, ए. प्राइवेट मेंबर फंक्शन मैंने क्या लिया है, स्क्वायर. ओके, तो अगर मैं उस प्राइवेट डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन दोनों को एक्सेस करना चाहता हूं तो किसके थ्रू एक्सेस कर सकता हूं? मैंने बोला पब्लिक मेंबर फंक्शन के थ्रू. तो कितना पब्लिक मेंबर फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज किया है, इनपुट क्यूब डिस्प्ले. ओके, यही सेम एग्जाम्पल हमने लास्ट में भी लिया था बट एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे क्या एड किया है, प्राइवेट कीवर्ड को यूज किया है. तो यहाँ पे अगर मैं प्राइवेट कीवर्ड यूज ना करता तब भी C++ में बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर बिना कोई कीवर्ड यूज करे अगर हम कोई भी डाटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन को अगर डिक्लेयर या फिर डिफाइन करते हैं तो वो कंसीडर किया जाता है कि वो एक प्राइवेट डाटा मेंबर या फिर प्राइवेट मेंबर फंक्शन है. मतलब यहाँ पे मैं प्राइवेट यूज करूं या फिर ना करूं कोई फर्क ही नहीं पड़ता, प्राइवेट यूज ना करने से भी वो कंसिडर करता है कि ये प्राइवेट डाटा मेंबर या फिर प्राइवेट मेंबर फंक्शन है. ओके, तो ये जो प्राइवेट डाटा मेंबर एंड प्राइवेट मेंबर फंक्शंस हैं उनको अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो एक्सेस कैसे कर सकते हैं, पब्लिक मेंबर फंक्शन के थ्रू. और जिन पब्लिक मेंबर फंक्शंस को हम कॉल करेंगे कहां से, मेन फंक्शन के अंदर से. कैसे? बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. तो मेन फंक्शन के अंदर से मैंने उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया
और ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने इनपुट फंक्शन को कॉल किया। तो इनपुट फंक्शन एक पब्लिक मेंबर फंक्शन है, तो कॉल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके मेन फंक्शन के अंदर से। तो वहां पे जबकि मैंने कॉल किया तो मैंने उसके अंदर लिया है ए डाटा मेंबर को, जो कि एक प्राइवेट डाटा मेंबर है। तो प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कौन कर सकता है? ओनली द पब्लिक मेंबर फंक्शन और द प्राइवेट मेंबर फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। अगर एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर कोई भी डाटा मेंबर को हम एज ए प्राइवेट डाटा मेंबर डिक्लेयर करते हैं तो उस डाटा मेंबर को एक्सेस कौन कर सकता है? सिर्फ वही सेम क्लास के फंक्शंस ही उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनपुट जो है वही सेम क्लास का फंक्शन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? उस प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नंबर एंटर किया, यूजर को अलाउ किया हमने नंबर इनपुट करने के लिए, यूजर ने नंबर इनपुट किया। यूजर ने नंबर इनपुट करने के बाद जहां से कॉल किया था हमने वहां फिर रिटर्न आ जाएगा। वहां रिटर्न आने के बाद फिर हमने कॉल किया डिस्प्ले फंक्शन को, तो डिस्प्ले फंक्शन के पास जाएगा जो भी एक पब्लिक मेंबर फंक्शन है। उसके अंदर मैंने कॉल किया स्क्वायर फंक्शन को जो कि एक प्राइवेट मेंबर फंक्शन है। तो एक पर्टिकुलर क्लास के फंक्शन से हम और एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट मेंबर फंक्शन हो या पब्लिक मेंबर फंक्शन हो। तो मैंने कॉल किया, तो कॉल करके हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए का वैल्यू और ए का वैल्यू जो कि हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ए का वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया और जो कि रिटर्न होके आगे कहाँ पे स्टोर होगा? एसक्यू वेरिएबल में स्टोर होके रहेगा। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से कॉल किया क्यूब फंक्शन को, तो क्यूब फंक्शन के पास कॉल जाएगा जो कि पब्लिक मेंबर फंक्शन है। तो प्राइवेट मेंबर फंक्शन हो, पब्लिक मेंबर फंक्शन हो, एक सेम क्लास के मेंबर फंक्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? बाकी फंक्शंस को वही सेम क्लास का हम कॉल कर सकते हैं। यानी यहाँ पे मैंने कॉल किया क्यूब फंक्शन को, तो वहां पे उसने क्यूब कैलकुलेट किया और रिटर्न किया जिसको मैंने स्टोर किया सी यू वेरिएबल में। स्टोर करने के बाद उसको हमने यहाँ पे एज ए आउटपुट डिस्प्ले किया। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये प्राइवेट मेंबर फंक्शन क्या है। एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर प्राइवेट सेक्शन के अंदर कोई भी डाटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन को अगर हम डिक्लेयर करते हैं, डाटा मेंबर को अगर प्राइवेट सेक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं उसको बोलेंगे प्राइवेट डाटा मेंबर, और मेंबर फंक्शन को अगर प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं उसको बोलेंगे प्राइवेट मेंबर फंक्शन। और एक प्राइवेट मेंबर फंक्शन को हम एक पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? वही सेम क्लास के कोई अदर पब्लिक मेंबर फंक्शन के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। ओके, जो कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझा। ओके, तो आई थिंक आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।